दोस्तों, पीएम आवास योजना लखनऊ के बसंत कुंज और शारदा नगर विस्तार योजना में जो मकानों की लॉटरी हुई है और जिनका आवंटन पत्र मिल रहा है, तो दोस्तों कई लोगों की मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि इसके लिए लोन के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, लोन के लिए आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए लोन के लिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होते हैं और उनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, उसको कंडीशंस होती हैं, उसको आपको कंप्लीट करना होता है, तभी आपको लोन प्रोवाइड होगा। तो ज़्यादातर जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का सैलरी बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट फॉर्म 16 और आपका कंपनी आई कार्ड लग जाता है डॉक्यूमेंट्स में, तो ये सारे डॉक्यूमेंट और KYC पेपर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप जॉब कर रहे हैं। और दूसरा, आपका अगर बिजनेसमैन है तो आपका 3 साल का ITR लगता है दोस्तों, और GST का बिजनेस सर्टिफिकेट पेपर लगेगा, और आपका GST रिटर्न 3 साल का पेपर लगेगा, कंपटीशन ऑफ इनकम का लेटर लगेगा, और आपका सेविंग अकाउंट की 1 साल की बैंकिंग लगेगी और करंट अकाउंट की 1 साल की बैंकिंग लगेगी, प्लस आपका प्रॉपर्टी के पेपर लगेंगे और ये सारे प्रॉपर्टी का मैप लग जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर आपने इसके लिए लोन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और आप सरकारी सेक्टर में भी जा सकते हैं, जैसे LIC, HFL या SBI बैंक में भी जा सकते हैं लोन के लिए। तो ये है कंडीशन, है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। तो दोस्तों, और जहां तक ऐसी जानकारी है कि LDA जो है लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रहा है, तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा, बैंकों में जाना होगा और आपसे बैंक जो है इनकम प्रूफ मांगेगा, तो इनकम प्रूफ में यही सारे पेपर लगते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल दी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, घंटी में जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, प्लीज उसे क्लिक करके मुझे लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।